असगर एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। और हम लोग जा रहे हैं अभी पनवेल, मेरे चाचा के न्यू फ्लैट की ओपनिंग है आज, तो हम लोग उसकी दावत पे जा रहे हैं। और ये देखो मेरी मिसिज भी है, अली भी है। मेरी मिसिज भी एकदम ड्राइव कर रही है चश्मा वश्मा पहन के। और अली को देखो, अली उद्दू करो, बहुत लेट हो गया है। तुम कान में ईयरफोन निकालो जल्दी से, बहुत ट्रैफिक है गाइस, बहुत अपना गर्म है बहुत। हाँ मम्मा, एयरपोर्ट का खत्म हो गया था ना, तो मैंने डाल दिया और एक मैंने अपने कान में लगा दिया। हाँ हाँ, अरे वेरी गुड, सो स्मार्ट, मेरे पर गया पूरा। तो गर्म तो देखो गाइस यार, कसम से अल्लाह का लाख लाख करोड़ों एहसान है यार, जो गाड़ी दिया है एसी के अंदर जो जा रहे, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। बेचारे जो मेहनत करते, अल्लाह उनको भी कामयाबी दे। बेचारे लोग, बहुत बहुत गर्म हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है दुबई में आ गया हूँ, इतना गर्म हो रहा है। तो चलो गाइस मिलते हैं हम लोग पनवेल पहुँच के, आप लोग को सबसे इंट्रो कराएंगे पूरी फैमिली से इंशाल्लाह, वक्त मिला तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ करो। और कैसा लग रहा हूँ मैं चश्मे में, एकदम हीरो दिख रहा होगा? नहीं मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत। ऐसा लग रहा है जल्दी से बारिश हो तो पनवेल से सीधा लोनावला निकल जाते, मगर क्या करें बहुत गर्म हो रहा है। सो गाइस हम लोग आए हैं पेट्रोल भराने के लिए, इसकी हालत देखो, पेट्रोल पंप पे आए हुए। नींद आ रही है ना, देखो रात को भी बोली थी सो जाना बेटा, सोया नहीं तू ना, अब नींद आ रही है। फाइनली हम लोग पहुंच गए मेरे चाचा के घर पे, और ये देखो पूरा खानदान की चप्पल है, और ये घर है माशाल्लाह, सब लेडीज लोग हैं अंदर घर के अंदर, इसलिए नहीं दिखा सकता मैं। तो चलो फिर अभी ऊपर से हम लोग देखते हैं इनके घर के आजू बाजू का व्यू। और ये हम लोग टेरिस पे पहुंच गए हैं, और ये बस यहाँ से लोनावाला हाईवे है पूरा, लोनावाला जाने का। ये चाचा की जगह कब्जा कर ली है, पूरा लोनावाला हाईवे के लिए बॉम्बे जाने का ये रास्ता है। अच्छी टेरिस है यार, सुकून है। बिल्डिंग है देखो पनवेल की, एक इन्वेस्टमेंट किया इसे टाइम पास के लिए उनने। तो चलो भाई देखो पनवेल का ये पहाड़ भी कितना अच्छा है, पहाड़ के बाद फिर नीदा का घर है, और नीदा का घर उस तरफ है बाजू में पीछे की तरफ। चलो देखो ये पूरा व्यू है, छोटी छोटी बिल्डिंग है इधर पहाड़ के पास, और ये फरा भी आ गई। और ये देखो अली लोग को सब कैरम खेल रहे रास्ते पे बैठ के। अरे ये कपड़े गंदे हैं तुम लोग, अले अले कपड़े गंदे हैं अब्बो। कुछ नहीं होता क्या, कुछ नहीं होता है। और ये जगह कब्जा बलवान बिल्डर ने हम लोग को गिफ्ट किया है ये जगह चाचा को। ये बॉम्बे का रास्ता है, एक्सप्रेस हाईवे, अच्छा है ना, बाजू के बाजू में ही है। आधे घंटे में लोनावाला, अच्छा जिसका बंगला रहे लोनावाला बाजू में, घर पे आके सो जाओ। चलो और मैं आराम करते हुए एकदम कंफर्टेबल एसी के अंदर बैठा हूँ विदाउट फंका एंड टेबल के। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं हम लोग आपको हाईवे पे, सब खाते पीते जाते हुए मजा करते हुए दिखाते, तो दुआ में याद रखो। हम लोग आए अभी मोमोज खाने के लिए एप्पल मिंट में, हम लोग की फेमस जगह, हम लोग की बहुत पसंद है, हम लोग का अली का फेमस है ना, अली अली का फेवरेट है ना। हाँ अरे हिल रहा है तू, पनवेल से आते तो सोचे चलो मोमोज खाते हुए जाते घर पे, है ना अली। हाँ मजा आ गई पनवेल में, बहुत मजा आई, सच्चा था कि वहाँ, और बहुत अच्छा मोमोज भी बनता है। हम लोग, अली तुमको जूस कौन सा चाहिए, चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट किटकैट। ये आ गया अभी मोमोज खाने खार करके, और ये ऑर्डर दे रहे अफगानी मोमोज का, हम लोग का फेमस है ये। मम्मी क्या खाएंगे,
देखो सब मोमोज खाने के लिए चाइनीज चाइनीज। तू क्या खाएगा? हाँ क्या पीने का तेरे को? हाँ चला और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। हाँ और कुछ नहीं। और कुछ नहीं खाने का? सच्ची में बस बोला मिल्क शेक का बोला बेटा तुमको मोमोज नहीं खाने का? क्यों? डैडी देखो मोमोज नहीं खाने का। टेस्ट करो डैडी, टेस्ट करो ना। आज हम लोग ससुर जी को लेकर आए खिलाने के लिए, मोमोज टेस्ट कराने के लिए बॉम्बे यहाँ पे। देखो भाग के गया वो। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, फिर मिलते हैं आपको बाद में। चलिए उसके डैडी गए हुए अली के लिए वो लेने के लिए मिल्क शेक, किटकैट मिल्क शेक लेने के लिए, उसका फेवरेट है। चलिए फिर मिलते हैं। कैसे रेडी? कौन सा ऑर्डर दिया बेटा मिल्क शेक का? किटकैट। क्यों दूसरा क्यों नहीं बोला? ओरियो भी था ना वहाँ पे? ओरियो था पर ना वो मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया। अच्छा तुमको किटकैट पसंद है? क्यों? मुझे अच्छा दीदी तुमको किटकैट खिलाती थी ना, दे दी ऑर्डर दे दिए। क्या ऑर्डर बोल दो ना? चलो हां तो बोलो ना, एक बोल दो जाओ। अरे खाओ डैडी, हमारा नूडल्स भी आ गए। डैडी मोमोज कैसे लगा? अच्छा जरा खाओ तुम बैठे, क्यों नूडल्स क्यों नहीं खा रहे? अली पहले तुम खाओ, तुम खाना नहीं खा रहा है बेटा, दो तीन दिन से मैं देख रही हूँ बराबर खाना खा रहा नहीं है, खाली बस एक दो नहीं वाला खाता है छोड़ देता है। देखो मैं ट्रेन दिलाऊंगी, बोली ना मैं ट्रेन दिलाऊंगी मम्मा, पहले तुम खा लो ना, खा ही नहीं रहे हो तुम, क्या मालूम क्या हुआ तुमको, नजर लगी क्या लगी, खाना ही नहीं खा रहे। हाँ क्या कोई नहीं लेगा, उन लोग के पास एक्स्ट्रा रहता है, तुम पहले कुछ खाने का सोचा हो? हाँ क्या चाहिए? अरे वो पीछे वो गाड़ी चाहिए उसको, मैं अपनी दिलवाती हूँ गाड़ी, तो वो खा रहा नहीं है। वो मिल्क शेक पी रहे ले, खा के माशाल्लाह होते जा रही है। हाय गाइस बस हो गया अभी जान, लाइफ के मजे ले रहे हैं हम, अल्लाह का शुक्र बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बहुत 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 कर, क्या बोलते बहुत एहसान। लेकिन अच्छा लगता है ऐसे कार में बैठ के मिल्क शेक पीनेगा, हाँ अपना अलग ही मजा आएगा। हाँ। ड्राइविंग सीट पे बैठ के मिल्क शेक। हाँ। और कुछ बस तो फाइनली पहुंच चुके हैं पार्किंग में, थोड़ा चेक कर रहे हैं। और इसको देखो क्या छोटे बच्चों की तरह चीजें लेता है पापा। हाँ अभी आप बड़े हो गए हो बेटा, पानी भरेगा इसमें पानी की ट्रक है ये, कुछ भी। चलो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का खाना भी हो गया, बहुत मजा है यूसुफ चाचा के घर पे हमारे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दावत दी है, बहुत खुशी हुई हम लोग को उनके लिए। और फाइनली हम लोग अभी आ गए पार्किंग में और बहुत थक चुके हैं, और अभी जाके सो जाएंगे सीधा लाम लेट, सीधा कल मिलेगा इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। Thank you.